10 में से एक शख्स ऐसा है जो हेपेटाइटिस की बीमारी में मुबतला है। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान को लीवर कैंसर का शिकार भी कर सकती है। आज 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को अवेयरनेस देना है ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि उनकी ज़िंदगी उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना कितना ज़रूरी है। आइए यहाँ पर कुछ लोगों से हम व्यूज़ लेते हैं और जानते हैं कि वो इस बीमारी के बारे में क्या बोलते हैं और इस दिन के बारे में कितना जानते हैं। आप कुछ बता सकते हैं कि हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस लीवर के सेल्स के ब्रेकडाउन की वजह से होता है और कैंसर भी कॉज करता है। हेपेटाइटिस जो है वो 3 किस्म के होते हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि यरकान होता है, काला यरकान होता है, पीला यरकान होता है। ये जो होता है ये कैंसर के ज़ुमरे में भी आता है कि सेहत के लिए जो है बहुत नुकसानदेह है। इट्स अ डिजीज़ ऑफ पीपल। जी जितनी हद तक जानता हूँ वो तो ये है कि हेपेटाइटिस में वायरसेस होते हैं जो कि हवा में होते हैं और वो हवा के ज़रिए जिसम के अंदर चले जाते हैं। हेपेटाइटिस एक बीमारी है और ये है कि जो मुख्तलिफ जो है ना तरीक़ों से ये फैलती है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना बड़ों से बच्चों को हो जाती है। ये ज़्यादा गंदगी हो उसकी वजह से भी फैल जाती है। दूसरा ये है कि ये ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से या किसी को ये मलेरिया वगैरह हो उसकी वजह से हो जाती है। आप क्या समझते हैं कि फैलता किस तरह से, क्या रीज़न्स हैं, किस तरह से फैलते हैं, आपको कुछ आइडिया है इस बारे में? मुझे इसके आइडियाज़ ये हैं कि हेपेटाइटिस ज़्यादातर बैक्टीरिया से फैलता है। मसलन के अगर हम खाने में एक तो बहुत इसकी एक फैलने की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम लोग बहुत ही कैंट में सिटीज़ में रहने वाले लोग वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ज़्यादा बस गाड़ी में व्हीकल करते हैं, इसलिए हम अंदर से बहुत वीक हो चुके हैं और बैक्टीरियस हम पे बहुत जल्दी अटैक कर लेते हैं। यूज्ड रेजर्स, यूज रेंजेस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। वजूहत ये होती हैं कि ये गन्ने की रेड़ियाँ जैसे हो गई वहाँ पे, जूसेस वगैरह खुले जूसेस इसके यूज़ करने से, पीने से, पानी से, गंदे बर्तनों से इन चीज़ों से फैलता। दरअसल जो हेपेटाइटिस है वो मतलब जो पैदा होता है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लेता हूँ कि हम जो रहते हैं एक मतलब हम इकट्ठे स्टूडेंट रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक फ्लैट में 10 लड़के रह रहे हैं तो एक ही टावल हम यूज़ करते हैं 10 के 10, वो उससे बहुत ज़्यादा जरासीम फैलते हैं जिसकी वजह से होता है। फिर उसके बाद ये है कि हम शेफ लड़के करते हैं तो एक जिलेट ले आया उसी से सारे करते हैं। तो जो मेन थिंक है जो हेपेटाइटिस के लिए वो बहुत जो नुकसानदेह चीज़ है वो जो हम शेव करते हैं और ये जो हम टावल यूज़ करते हैं। क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आप समझते हैं कि क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं लेनी चाहिए? सेफ्टी प्रिकॉशंस ये हो सकती हैं कि हम जो आजकल को डेली जो रेज़र यूज़ करते हैं और जो आजकल हल्की क्वालिटी का रेज़र मिल रहा है जो 5 या 10 रुपए में एक रेज़र मिलता है, उससे हम बार बार शेव उसके जो कट्स लगते हैं वो दोबारा हम वही रेज़र उसी कट्स पे यूज़ करते हैं, तो वो भी आपको हेपेटाइटिस का मरीज़ बना सकता है। दूसरा ये है कि ये जो हम स्ट्रिंज इस्तेमाल करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, इसको हम एक बार से दोबारा इसका यूज़ ना करें तो हमारे लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है पानी साफ़ होना चाहिए, पानी से ये सबसे ज़्यादा फैलती है। पानी गंदा होगा तो वहाँ ज़्यादा ये डिज़ीज़ होगी। बाहर के खाने पीने से अवॉइड करें और यूज्ड सिरिंजेस, यूज्ड रेजर्स वगैरह यूज़ ना करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी पहले टेस्ट वगैरह करवा के उसके बाद। आपको कुछ आइडिया है कि पाकिस्तान में या लाहौर में कितने ऑलमोस्ट विक्टम्स हैं इस बीमारी के, कितने विक्टम्स हैं, कुछ अप्रॉक्सीमेट कोई आइडिया आपके पास? अप्रॉक्सीमेट ये तकरीबन होंगे, इवन के अगर हम देखें ना तो हेपेटाइटिस के जर्म्स तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे को, तकरीबन 75 जो है ना वो हैं इस बीमारी में। हेपेटाइटिस के विक्टिम बहुत ज़्यादा हैं इन द वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान हेपेटाइटिस के लिए सबसे बेसिकली जो है ना सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस की जो है यहाँ पे ही आपको मिलेंगे पेशेंट्स। एंड डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे? नो, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। जी मुझे आइडिया है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एक मतलब एक दिन होता है जो मनाया जाता है, लेकिन मुझे उसकी डेट कंफर्म नहीं है। नहीं, आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे नहीं पता। नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। नहीं, ये तो नहीं पता। जी हाँ, मैं जानता हूँ, ये 28 जुलाई को मनाया जाता है हेपेटाइटिस डे,
और इसमें यही होता है कि लोगों को अवेयर किया जाता है हेपेटाइटिस के बारे में। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है जो मनाया जाता है 28 जुलाई को, आपके ख्याल में इसको मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए, अच्छी बात। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो पब्लिक ज़्यादा 80% तो जाहिल ही है, और उनको हम इसी तरह ऐसे डे मना के उनको अवेयरनेस देंगे तो उनके अवेयरनेस आएगी कि ये किस चीज़ों से फैलता है और किससे बचा जाए, कैसे किया जाए। सर होने चाहिए, ये बिल्कुल होने चाहिए, और इससे सबसे अच्छी बात यह है कि हर बंदे को इसकी इससे अवेयरनेस मिलेगी और हर बंदा इससे में खुद से ऑब्जर्व कर सकता है कि मेरे अंदर क्या चीज़ है, वो खुद जाके डॉक्टर के पास अपने चेकअप करवा सकता है, उससे उसको कम से कम इतना तो शऊर पैदा होगा कि यार मैं इस चीज़ को, अगर ये चीज़ मेरे अंदर है तो मैं उसको जाके प्रॉपर चेकअप करवाऊँ, उसका प्रॉपर इलाज करवाऊँ।